हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गल्फ नॉलेज वर्क। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि विदेश में किस तरह से बाहर का पेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बाहर के पर्सन में किस तरह से पेंट किया जाता है, तो इस वीडियो में पूरा दिखाऊँगा। एक मशीन के जरिए यहाँ पर पेंट किया जाता है, ये मशीन है। इसी मशीन पे सब सामान रख के पेंट का जितना भी आइटम होता है, जैसे कि रोलर, पेंट, स्टिक, तो इस मशीन पे रख के वहाँ पे चढ़ जाएंगे और चढ़ने के बाद में इसको वहाँ पे दीवार पे जाके पेंट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा किस तरह से ये मशीन को चलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मेरा मशीन है। ये मशीन को ऊपर से मैं नीचे किया, नीचे करने के बाद में यहाँ पर मैं पहले चला के चेक कर लेंगे ये मशीन मेरा सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक कंट्रोल करने के लिए जहाँ से हम पेंट करेंगे वहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है और एक इंजन के पास लगा होता है। तो क्या होता है दोस्त, अगर मान लीजिए मैं पेंट करने जा रहा हूँ तो हमको किस तरह से ऊपर करना है, नीचे करना है, इसीलिए एक सिस्टम ऊपर देता है जहाँ पे हम पेंट करते हैं और एक सिस्टम मशीन के पास देता है, यानी कि नीचे। नीचे से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस पे मैं पूरा सामान अपना रखता हूँ पेंट का, जैसे कि मैं स्टिक रख लिया, यहाँ पे रोलर भी रखेंगे, यहाँ पे बाल्टी भी रखेंगे। इस तरह से रख के इस मशीन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसको इस मशीन को लेके चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, मैं मशीन को किस तरह से चालू करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 3 इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे कि ऊपर नीचे, एक दाएं बाएं, इस तरह से करके लेके जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी अब विदेश आते हैं, सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, तो इसी मशीन के ज़रिए से बाहर का पेंट या कोई भी काम हो इसी मशीन के ज़रिए से किया जाता है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो पहले आपको एक सीखना पड़ेगा चलाने का मशीन, उसके बाद में इसको चला के आप जो काम करना है इस मशीन के ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चालू करके लेके जा रहा हूँ जिस बिल्ला में काम करना है। यहाँ पे मैं अभी पेंट मारूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऊपर से कंट्रोल कर रहा हूँ, नीचे मेरा कोई आदमी नहीं है। नीचे इसका स्टेयरिंग भी नहीं होता है, सिर्फ नीचे से खड़े होके इसको मशीन को चलाया जाता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से कंट्रोल करके इसको ले कर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं पूरा पेंट का सामान भी रख लिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर मोड़ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह घूम रहा है यह मशीन। ये जो भी मतलब कंट्रोल करता है ऊपर ही से ही इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पेंट जोतुंग कंपनी का ले लिया हूँ और रोलर स्टिक सब ले लिया हूँ। इसके बाद मैं लेके जा रहा हूँ इस मशीन को जिस बिल्ले को पेंट करना है उसी बिल्ले के पास मैं लेके जा रहा हूँ। बिल्ला का मतलब होता है दोस्तों घर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बिल्ला बना हुआ है ये 3 मंजिल का बिल्ला है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में जिस बांस के रस्सी से बांध के हम लोग पेंट करते हैं, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ पर जो भी काम होता है मशीन के ज़रिए काम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं फाइनली जिस बिल्ला को पेंट करने वाला हूँ वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी मशीन को ऊपर लेकर आया हूँ, यानी कि 3 मंजिल के बराबर। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं मशीन को 3 मंजिल के बराबर में लेकर आया हूँ और यहीं पे मैं पेंट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही मेरा बिल्ला है, जैसे कि मैं 3 मंजिल के बराबर में लेकर आया हूँ, अभी लेकर आ रहा हूँ दीवार के करीब। दीवार के करीब लेकर आएँगे, वहीं पर मैं पेंट करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा बाल्टी में पेंट बना के रखा हूँ, यहाँ भी रोलर स्टिक में लगा लिया हूँ। लगाने के बाद में इस तरह से पेंट में डुबाकर और माल उठाकर दीवार पे पेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आसानी से आप इस मशीन के ज़रिए से यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मुश्किल वाला बात नहीं होता है दोस्तों, जैसे कि आप आराम से बिंदास कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं होता है गिरने उड़ने का। ये जो भी काम होता है मशीन के ज़रिए होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्टी के लिए चारों तरफ से घेरा हुआ है और बीच में बाल्टी रखा हूँ और उसी बीच में खड़े होकर पेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं 3 मंजिल के ऊपर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं नीचे सामान भी रखा हूँ। यही है मेन सिस्टम कंट्रोल करने का,
यहाँ पे जिस तरह से मैं अभी पेंट कर रहा हूँ सबसे ऊपर वाले पर्सन पे, अगर ये मेरा पेंट हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन करके नीचे आऊँगा, फिर दूसरा दीवार करूँगा, इसी तरह से ऊपर नीचे करके मैं पेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अभी ऊपर मैं पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दो नीचे आदमी खड़ा है, जैसे कि मैं अभी ऊपर पेंट के काम कर रहा हूँ तो ये नीचे से कंट्रोल करता है, जैसे कि मैं इशारा देता हूँ उसे भाई थोड़ा नीचे करो तो वो नीचे करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर पेंटर भाई है तो यहाँ पे आके पेंट कर सकते हैं, बाहर का कोई दिक्कत नहीं है, जो भी काम होता है मशीन के ज़रिए यहाँ पे काम होता है। तो आप भी आके सऊदी अरब हो चाहे दुबई हो चाहे कतर हो चाहे ओमान हो, यहाँ पे आके पेंट के काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। यहाँ पे मैं सऊदी अरब में जैसे कि मैं आया हूँ तो सोचा हूँ बाहर का काम कर रहा हूँ तो एक वीडियो बना लेता हूँ, जो भाई लोग का अगर सऊदी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा किस तरह से पेंट का काम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी आके यहाँ पे बाहर का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे कि इंडिया में रिक्स लेके बांस पे चढ़ के काम करते हैं तो यहाँ पे बांस पे कोई चढ़ना नहीं रहता है, यहाँ भी जो भी काम होता है तो मशीन से काम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो में पूरा बताया हूँ किस तरह से मशीन को चला के पेंट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे और ये वीडियो दूसरे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उसको भी समझ में आए कि सऊदी अरब में किस तरह से पेंट किया जाता है। अगर वो भी पेंट के काम सीख कर सऊदी अरब में आना चाहता है तो यहाँ आके काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे दो दो मशीन लेकर आया हूँ, जैसे कि एक उधर एक लगा हुआ है। अभी वो मशीन में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है जिसके वजह से वो मशीन को बंद किया हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे मशीन से काम कर रहा हूँ। ये काम मैं सऊदी अरब के राजधानी रियाद में काम कर रहा हूँ, ये कंपनी का नाम है ABR कंपनी है, इसी कंपनी में मैं आके पेंट के काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप भी किसी कंपनी में आके यहाँ पे पेंट के काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं ABR कंपनी में आया हूँ, यहाँ पे मैं पेंट के काम कर रहा हूँ, आप भी किसी कंपनी में इंटरव्यू दे के यहाँ पे पेंट के काम आके कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बाहर का जो भी काम होता है मशीन के ज़रिए होता है और अंदर का काम तो नॉर्मल होता है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पे बाहर का काम रिस्क है तो यहाँ ज़्यादा रिस्क होता नहीं है, जो भी काम होता है मशीन के ज़रिए होता है। जैसे कि इस वीडियो में मैं पूरा बताया हूँ किस तरह से मशीन को चालू किया जाता है और कैसे चलाया जाता है और कैसे इस पर पेंट रख के यहाँ पर कैसे पेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं पेंट का बाल्टी रखा हूँ और रोलर को स्टिक में लगाया हूँ और स्टिक के ज़रिए से यहाँ पे दीवार को पेंट मैं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप भी सऊदी अरब आके इसी तरह से पेंट के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं ABR कंपनी में आया हूँ, ये कंपनी रियाद में है, जैसे कि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, ये जो बिल्ला दिखा रहा हूँ ये सऊदी का बिल्ला है, यानी कि सऊदी को घर बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग का इंडिया में घर होता है ना, वैसा ही यहाँ पे सऊदी लोग को घर को बिल्ला बोलते हैं। तो यहाँ पे लमसम 5000 से 6000 बिल्ला बना हुआ है, ये प्रोजेक्ट का नाम है मुर्सिया प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे स्टिक के ज़रिए किस तरह से पूरा दीवार को पेंट किया जा रहा है। यहाँ पे स्टिक के ज़रिए से ऊपर नीचे करके पेंट करते हैं, जैसे कि एक बार रोलर में पेंट लगाने से पूरा दीवार ऊपर से नीचे तक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पे जॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नहीं मारा जाता है, जो भी काम होता है एक दीवार को पूरा ऊपर से नीचे ले मार के कंप्लीट करते हैं, ताकि बीच में जॉइंट का निशान ना आए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से पेंट के काम कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में क्या होता है दोस्तों, ये स्टिक का काम उतना नहीं करता है, हाथ से ही पेंट किया जाता है, यहाँ पे हाथ से उतना नहीं होता है। स्टिक में रोलर को लगा के पेंट करते हैं ताकि पूरा दीवार मुझे ऊपर से नीचे तक उतर जाए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं ऊपर का दीवार कंप्लीट कर लिया तो मैं दूसरा दीवार
मारने के लिए यहाँ पे मशीन को नीचे लाया, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं दूसरा दीवाल भी मार रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से सऊदी अरब में पेंट किया जाता है, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। यहाँ पे आके आप भी अपने सऊदी अरब में पेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसी तरह से पेंट के काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।